आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। गाजियाबाद में गौर सन्स बिल्डर्स पर एफआईआर, आवास विकास की 350 करोड़ बकाया, बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के 1000 से ज्यादा फ्लैट बेचे। मेरठ में 19 साल की छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस प्रेम प्रसंग में सुसाइड करना मान रही है, कई दिनों से तनाव में था छात्र। गाजियाबाद में एनकाउंटर में 4 बदमाशों को लगी गोली, कारोबारी के घर दिन दहाड़े डाली थी डकैती। रामनगरी में घुसा सरयू का पानी खतरे के निशान से 108 सेंटीमीटर ऊपर, नदी का जलस्तर प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर हो जा रहा है इजाफा। गाड़ी खड़ी करने पर मारपीट, पथराव और फायरिंग, गाजियाबाद के इकला गांव में तनाव, 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर। मेरठ में बच्चा चोर समझकर मासूम के पिता को पीटा, हरदोई का युवक अपने 10 माह के बच्चे को लेकर निकला था। आगरा में आलू बुआई पर संकट, लाखों किसान चिंता में डूबे, खेत में अभी जल भराव, अगले 15 दिन तक बुआई शुरू होने के नहीं है कोई आसार। बदायूं में गर्भवती और उसकी बहन को कुल्हाड़ी से काटा, जो जेठों ने अपने पहले पति पत्नियों को पीटा, बाद में बहू को काट डाला। सोनभद्र में ट्रैक्टर चालक की झुलसकर मौत, ट्रैक्टर के टक्कर के बाद लगी आग, 2 को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज रेलखंड में मिली गेटमैन की शव, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। चित्रकूट में महिला को पाने के लिए बच्ची को ट्रेन से फेंका, ट्रेन के महिला से की दोस्ती, बातचीत में शादी करने का बनाया मन। संभल में लोगों ने युवक को उछाकर समझाकर पीटा, चंदौली अलीगढ़ पैसेंजर में महिला से हुई थी छिनैती, पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ा। अमरोहा में 8 इंस्पेक्टर सहित 11 पुलिसकर्मियों के तबादले, एसपी ने जारी किया आदेश, तत्काल चार्ज ग्रहण करने के निर्देश। प्रयागराज में लाठी डंडों से पीटकर हत्या में मुकदमा दर्ज, रात 3 बजे घर में घुसकर की पिटाई, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। काशी में आधा मीटर बड़ी गंगा, घाटों की 5 सीढ़ियां और रेत जलमग्न, देव दीपावली की तैयारियों को झटका। नोएडा के खनन माफियाओं की 5.63 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, मुरादाबाद और संभल में है जमीन, 18 से ज्यादा दर्ज है मुकदमे। सीतापुर में 60 गांव में घुसा बाढ़ का पानी, सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे ग्रामीण, 8 लाख क्यूसेक पानी ने मचाई तबाही। भदोही में ताला तोड़कर हुई चोरों का खुलासा, 2 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के जेवर और बिना नंबर की बाइक बरामद। फिरोजाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, मंडी से लौट रहा था घर से 200 मीटर पहले अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। गोरखपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट ने लाखों की लूट वसूली कर घर लौट रहा था, बदमाशों ने तमंचे की नोक पर छीने पैसे।
चित्रकूट में सड़क हादसे में एक ही मौत, ट्रक से डीसीएम को मारी टक्कर, 8 गंभीर रूप से घायल। औरैया में केंद्रीय मंत्री अठावले ने किया बौद्ध मठ का शुभारंभ, बोले मुलायम सिंह धरती पुत्र थे, उन्हें लोग भूल नहीं पाएंगे। फतेहपुर में महिला से दुष्कर्म, दर्जी पर आरोप, पीड़िता बोली कपड़े सिलवाने के लिए गई थी, आरोपी ने घर में जबरदस्ती की। बलरामपुर में बाढ़ की विभीषिका जारी, अतरौला तहसील के सैकड़ों गांव बाढ़ के आगोश में, बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। पीलीभीत में महिला संबंधी अपराधों में लापरवाही, कोतवाली पुलिस दुष्कर्म के प्रयास मामले में 28 दिन के बाद दर्ज हुई रिपोर्ट। दलित बस्तियों में गांव तक आरएसएस विस्तार पर जोर, भागवत बोले हिंदुओं की एकता के लिए संयुक्त परिवार जरूरी। कुशीनगर में दो बच्चे लापता, घर से साइकिल से निकले थे, सीसीटीवी कैमरा खंगालने पर जुटी पुलिस, तीनों से तीन बच्चे हो चुके लापता। उन्नाव में जिम में चोरी करने आए युवक को पीटा, आधी रात को घर में घुसा, लोगों ने जब पकड़कर की धुनाई। मथुरा में 5 अस्पतालों को किया सीज, फायर ब्रिगेड के नियमों का नहीं हो रहा था पालन, 59 हॉस्पिटल को भेजा नोटिस। देवरिया में 2 फर्जी पत्रकारों पर मुकदमा, निजी चिकित्सक ने वसूली करने पर लगाया आरोप, जांच करने पर हुआ खुलासा। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर को गड्ढा मुक्त बनाने में जुटा नगर निगम, शहरवासियों ने जताई आपत्ति। अमेठी, ढक्कन ना लगाने के चलते नाले में गिरी गाय, गायक को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। अलीगढ़ में बारिश के कहर से सड़क पर आया परिवार, भीख मांग कर चला रही थी महिला अपना परिवार। बरेली में चोर को गार्ड ने चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा, मंदिर में चोरी कर रहा था चोर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जगह जगह भरभरा कर गिर रहे मकान, बारिश से जन सामान के सर से छिनी छत। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के पदाधिकारियों ने फसल बीमा की किस्त को लेकर उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ में दिन दहाड़े बाइक सवार लोगों ने महिला से लूटपाट की, हथियार के बल पर लूटने की घटना को दिया अंजाम। बुलंदशहर में पहली बार सयान सीएससी पर हुआ हार्निया का सफल ऑपरेशन, सीएससी सयाना पर निशुल्क किया जाएगा ऑपरेशन। अलीगढ़ में सपा के पूर्व विधायक ने दिया बड़ा बयान, कहा अगर मदरसों पर पाबंदी लगने की कोशिश की गई तो घर घर में मदरसे होंगे। हमीरपुर में दबंगों ने घर में घुसकर महिला को मारी गोली, मौके पर ही हुई महिला की मौत। अलीगढ़ में रोजगार भारती द्वारा आयोजित किया गया करवा चौथ मेहंदी प्रतियोगिता कार्यक्रम में विधायक मुक्ता राजा ने लिया भाग। हरदोई आईटीआई में चल रहा है धन उगाही का खेल, एडमिशन के नाम पर 10,000 रुपए की ली जा रही है घूस।
कानपुर में 13 दिन बाद जिंदगी की जंग हार गई एमबीबीएस छात्र पाखी, एलएलआर हॉस्पिटल में तोड़ा दम। बाढ़ को लेकर सख्त दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचाने के दिए हैं जरूरी दिशा निर्देश। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, लगातार हो रही बारिश के चलते गांव द्वारा जलमग्न किसानों की फसल हुई बर्बाद। लखनऊ में सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ का हल्ला बोल, डग्गा मगर वाहनों के संचालन के विरोध में किया आंदोलन। मऊ में आपसी कहा सुनी के दौरान चाकू मारकर युवक की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर हुआ गोष्ठी का आयोजन, गोष्ठी में जयप्रकाश नारायण जी की गिनाई गई उपलब्धियां। यूपी सरकार का सराहनीय कार्य, एंटी रोमियो टीम लोगों को कर रही है जागरूक, नारी शक्ति सशक्तिकरण के बारे में लोगों को किया गया जागरूक। लखनऊ में कलयुगी पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, खून से लथपथ महिला का इलाके में से मचा हड़कंप, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। सुल्तानपुर में गाजे बाजे के साथ हुई मां दुर्गा की विदाई, शोभा यात्रा में मां की चुनरी लहराकर किया रवाना। अयोध्या में सरयू नदी में फंसी नाव, सुहावल मेड़वा घाट सरयू पुल से सीढ़ी के सहारे लोगों का किया गया रेस्क्यू। मैनपुरी में सबसे सुंदर अमृत सरोवर बनाने से लोगों के खिल उठे चेहरे, जनपद में प्रथम तालाब को सुंदर बनाने में बड़ा रहा योगदान। आगरा में बरसात की वजह से कच्चा मकान हुआ धराशाही, मकान में रह रही बुजुर्ग महिला की हुई मौत। अम्बेडकर नगर में बारिश से उफान पर घाघरा नदी, बढ़ते जलस्तर के चलते नदी से सटे आसपास के निचले इलाकों में घुसा पानी। बुलंदशहर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दो लोगों को रौंदा, हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गोंडा में चैन स्नेचिंग करने वाले चोर को पुलिस ने धर दबोचा, दिन दहाड़े महिला के गले से चैन छींचकर भाग निकला था चोर। बुलंदशहर में बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद किया, डीएम ने एसडीएम को धान की फसल का नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश। हमीरपुर में सरकारी स्कूल में बाल बालाओं के ठुमके लगाने पर ग्राम प्रधान पर की गई बड़ी कार्रवाई, प्रधान के प्रशासनिक अधिकारियों को किया सीज। बुलंदशहर में गैंगस्टर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस ने क्रॉस फायरिंग में एक घायल एक फरार। अक्टूबर से लखनऊ में उत्तर प्रदेश महोत्सव का होगा शुभारंभ, महोत्सव में हस्तशिल्प एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी का होगा आयोजन। मुलायम सिंह यादव के प्रशंसक ने की आत्महत्या, समर्थक ने कहा जब नेताजी नहीं रहे तब मैं जीकर क्या करूंगा, घटना कानपुर की है। श्रावस्ती में नाले में तेज धार में बहे दो युवक, नाला पार करते समय हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में बन श्रमिक का मिला शव, शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच पड़ताल में जुटी स्थानीय पुलिस।
हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, बच्चों के साथ रह रही थी महिला, एसपी बोले पति पर हत्या की आशंका। बिन पिता की पहली सुबह पर भावुक हुए अखिलेश यादव, लिखा आज पहली बार लगा कि बिन सूरज के सवेरा हुआ, भारत रत्न देने की मांग। जौनपुर में कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत, बहन के घर दोस्तों के साथ जा रहा था युवक, कार छोड़कर फरार ड्राइवर। हापुड़ में दंपति के विवाद में बच्चे की मौत, पति ने पत्नी को जड़ा था थप्पड़, मां की गोद से नीचे गिरा 3 माह का मासूम। कोसी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, मुरादाबाद में 4 गांवों का संपर्क मार्ग पानी में डूबा, खेतों में 3 फीट तक पानी। सोनभद्र में महिला के ऊपर पलटी कार, मौके पर हुई मौत, मॉर्निंग वॉक पर निकली थी महिला, कार सवार दो लोग भी घायल। कानपुर में इलाज के बहाने कैदियों की मौज, पुलिसकर्मियों ने सिगरेट पिलाई, खस्ते भी खिलाए, फिर एम्बुलेंस से पूरे शहर में घुमाया। बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर, 3 तहसीलों में घुसा बाढ़ का पानी, नाव पर ही चूल्हा जलाकर खाना बनाते दिखे लोग। बागपत में महिलाओं पर फावड़े से हमला, 2 महिलाओं और 1 युवक की जमीन पर गिरकर पीटा, खेत पर दीवार बना रहे थे दबंग। मेरठ में बारिश के बाद गिरा 2 मंजिला मकान, लिसाड़ी गेट में बड़ी घटना, बरसात के बाद निकली धूप, नहीं सह पाया मकान। संभल में पानी में डूबे दर्जनों मकान, नायाब तहसीलदार और लेखपाल ने किया निरीक्षण, जल निकासी का दिया आश्वासन। फिलहाल जिले की 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। Goodbye.